हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 30 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर IAS बैंक SSC RRBI अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। 9000 जी के वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज ये सेशन शुरू किया गया था। इसमें हमने 200 क्वेश्चन MCQ कवर किए हैं, ये भी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था, ये सारे वीडियोज आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम एट होम, घर बैठे SSC की तैयारी कैसे करें। अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। कैरियर स्नाइपर की तरफ से आज मतलब 30 अगस्त को शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे का एक कैरियर काउंसलिंग रखा जा रहा है, जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के लिए। यहाँ पर CDS बैंक, UPSC, SSC, CGL और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी के बारे में डिस्कशन होगा, और आपके लिए कौन सा बेहतर जॉब है उसके भी ऊपर भी हम बात करेंगे। वेन्यू है यहाँ पर नीचे दिया गया है, और साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि आज कैसे आपको आना है। SDSR कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर SSC, रेल, WBCS, WBPSC, WBPTET और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप यहाँ से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन विल PM नरेंद्र मोदी कन्फर्म PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। PM नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? 31 अगस्त, 2 अक्टूबर, September 30 या October 31st? तो इसका करेक्ट आंसर है October 31st को। विच कंट्री विल बी होस्टिंग कावकाज 2020 इन September 2020? सितंबर 2020 में किस देश की मेजबानी कावकाज 2020 होगी? जापान, साउथ कोरिया, रशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। ये है क्या, इसके बारे में नीचे दिया गया है, आप लोगों को पढ़ना है बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड इन द मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियन में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु विल बी ऑनर्ड विद द तानजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन द लैंड एडवेंचर कैटेगरी दिस ईयर? इस वर्ष भूमि साहसिक श्रेणी में तानजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिवांगी पाठक, प्रेमलता अग्रवाल, अनीता कुंडू या अरुणिमा सिन्हा? तो इसका करेक्ट आंसर है अनीता कुंडू को। WHO's कोवैक्स फैसिलिटी करेंटली इंक्लूड हाउ मेनी वैक्सीन्स? WHO की कोवैक्स सुविधा में वर्तमान में कितने टीके शामिल है? इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। 10, 9, 8 या 7? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। गाइज, अगर सेशन पसंद रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, और मैथ के भी ऊपर हमने बात की है, परसेंटेज का लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। यह हर वेडनेसडे एंड सैटरडे रात के 9 बजे हम कवर करते हैं चाणक्य लाइव में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ये सारे लेक्चर हमने कवर किए हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने 29 अगस्त का अगर करंट अफेयर्स अभी तक नहीं देखा है पहले, उसे भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन अ लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹500 मिलियन विथ AIIB फॉर अ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन विच सिटी? भारत सरकार ने किस शहर में परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई।
हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट जी सतीश रेड्डी, प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर या 2 ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट रिजर्वेशन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इन द गवर्नमेंट जॉब। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 50%, 70%, 100% या 75%? तो इसका करेक्ट आंसर है 100%। हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द रेन्यूअल लिमिट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर व्हीकल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन व्यू ऑफ द कोरोना एपिडेमिक। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधित अन्य दस्तावेजों के नवीकरण की सीमा कब तक बढ़ा दी है? 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 25 नवंबर या 10 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन? इंपॉर्टेंट है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान, रोहित शर्मा, कमल त्यागी, राहुल सचदेवा? तो इसका करेक्ट आंसर है जाकिर खान को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अश्वनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? PNB, SBI, देना बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका करेक्ट आंसर है SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात या आसाम? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम। अ स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच इंडियन फुटबॉल टीम इन नमाची, सिक्किम? सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? पाइचिंग बुडिया, मेहताब हुसैन, सुब्रतो पाल, गुरप्रीत सिंह संधू? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइचिंग बुडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांडर्स हैज वॉन द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 इन द एयर एडवेंचर कैटेगरी? निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? गजानंद यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप वघेला या अमित त्यागी? तो इसका करेक्ट आंसर है गजानंद यादव। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिकैप तैयब इरडोगन हैज अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द ब्लैक सी रीजन सो फार? किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अदौरान ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोज निकाला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इराक, तुर्की, ईरान या फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। जो नए स्टूडेंट ने बता दिया, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम बेस नॉलेज को बिल्ड करते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके, और आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब। चलिए देख लेते हैं। एशियंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आशियान। सेक्रेटरी जनरल है HE दातो लिम जोकहोय। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। ये 10 कंट्री है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई शामिल है। ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात करते हैं। पीयूष गोयल इसके यूनियन मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुरेश अंगादी चाना बसप्पा। मालदीव के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के नीचे है ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये मालदीव का है। कैपिटल है इसकी माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इसके इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान आप ये जो एरिया देख रहे हो, इसके 4 बड़े आइलैंड है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कैपिटल है इसकी टोक्यो, करेंसी है येन। यूनेस्को हेरिटेज साइट जो नेचुरल में है याकुशिमा, शिराकामी, सांची, शिरेतोको और ओगाश्वारा आइलैंड। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।
तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड टॉपिक। अब बात करते हैं प्रीवियस डे जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टॉप 5, उसका आंसर चेक कर लेते हैं। पुलिक काली इज द फोक आर्ट फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ विच स्टेट, ये है केरला का। हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर, महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड डैम। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जिसको पहले फॉर्मली फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, ये दिल्ली में है। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह है पीयूष गोयल। विच कंट्री होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2020, रशिया होल्ड कर रहा है। 2021 में कौन होल्ड करेगा कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया था। टॉप 5 हो गए क्वेश्चन, अब बात करते हैं टॉप 6 आज के होमवर्क की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दाशीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। किरण हेल्पलाइन विल बी लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, लॉन्च मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। द जीएसटी काउंसिल वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर डज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च लोकेटेड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, आज इंपॉर्टेंट डे है स्मॉल इंडस्ट्री डे, इसके बारे में देखना है। स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 30 अगस्त को एवरी ईयर, सपोर्ट द प्रमोट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप उसे जानते हैं, इसका आंसर भी आपको देना है। तो गाइज एक और चीज बता दिया जाए, आज 30 अगस्त है, आज कैरियर स्नाइपर की तरफ से आपका फ्री एक ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग रखा जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। टाइमिंग है 5 to 6 के बीच में ये सेमिनार चलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है आप अटेंड कर सकते हैं। नीचे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को फॉलो करके। सो आज का सेशन कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और जितने क्वेश्चन पूछेगा उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने चाणक्य लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।